हाय गाइज गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये टाइम हो गला आसिकी सका 9:15 तो आम सब कम सर मुझ गाधे पाधिक नुआ पिंधिकी रेडी। तो मो फोटो आपण मान संगे सेयार करदेवि कारण यूँ अधे देखा जो पूरा देखा जाए। तो आपण मैंने केमती अच्छा मत कमेंट कर निश्चय जनाबे। आ मु तो बहुत भल मैं देखी जापे आज केमती देखा जा मत भी निहाती कमेन्ट्रे जनइबे। तो हापी रक्षाबंधन समस्त को राखी बंधन अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना मो तरफ मोर पूरा परिवार तरफ आपण मान समस्त राखी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो समस्ते तो आपण मैंने एक्साइटेड थे सब एथरक मो भाई मैंने मैंने आसीपार ना कारण वर्षा होपर एवं सब बुस्टर डोज जेहेतु दे सब देह खराब अच्छी समस्ती तो से आसी ना। तो मुख पठे ऑनलाइन रे राखी आउ दीदी तो मैंने हस्बैंड तो अच्छा बांधे आ बड़ दीदी भी आसवे घर को बांधिया को। तो से माने बहुत खुशी आम मन टा टे दुख हो जाए कारण से आसी ना जेहेतु अच्छे ये ब्रह्मपुर तो से आसी भल होता कि कौन करा देह खराब तो मानने आम हाथ में नाई ना के कौन होम कही पारानी। तो एमती हो तो हाउ जा राखी पहुँचाई से पिंधिदेवे तो मत यहाँ खुशी लगला। सो एबे ब्रेकफास्ट आमर आरंभ हो गला। तो बाबा आज बनाऊंट ब्रेकफास्ट माने पूरी होउची आउ मटर तरकारी तांगे बरा भी हम। सो चलतु सब तो समस्ते रेडी गले मम्मी भी पूजा करा से पूरा बस पड़े। तो कौन कौन सब आगक होलतु मुझ मान संगे सेयार करूँ आपति राखी सेलिब्रेसन कले मत नि कमेन्ट्रे जनइबे। तो फ्रेंड्स एवं आसिक मुझ किचेन हाजर जा तो ये बाबा रे बाबा टी हाई कर दि। तो आज बाबा ब्रेकफास्ट कौन बना स्पेशल बरा हम आठा हरिका सब होजापूजी हम। तो हाँ से टाइम अच्छी तो आगे ब्रेकफास्ट सरू ताप सब आगु आगु प्रोसेस चलो। तो ये अलरेडी हो गला पूरी तरक की तरकारी तरक आम देख तरक बनई मटर आरकारी। तो बाबा पूरी कर मुझे आज किसी करनी ब्रेकफास्ट सो ये आम सब बरा हरिका सब छणा छणी हो गला पूरा ब्रेकफास्ट रेडी। तो ये हस्बैंड बस खाया को तो ये आम पुतुल आसिकी बलराम को राखी बांधिया को सब जमती मैंने राखी बंधा होजा करंदापना करमी बंदापना करदेपर ये राखी बांधिदेपर समस्त गोटे गोटे करी राखी बंधा स्टार्ट होगा। तो फास्ट ये राधिया भौणी ठूँ राखी बांधुंट पुतलू बांधिदे राखी तापर पल्लवी सी भी बांधिदे। तो समस्ते मिसिकी सब राखी बंधा आमर स्टार्ट होगला एवं। सो पिलामानंकर राखी बंधा सरलापर ये मम्मी वेट करते मामू को तो मामू आसिक पहुँच जाते से ब्रेकफास्ट हरिका सब खाई सारिकी एवं बंदापना करी मम्मी राखी बांधिदे। तो बहुत खुशी लगुच ये सब देखिकी मत। सो ये पुतुलू अजा को राखी बांधुंट तो बाबा भौणी आसी नथिले तो पुतुलू राखी बांध दौंट। तो देखु अजा नाती किंतु माने पूरा लागी जन दिज जाक मजा करापर ये ना दीदी आमर मानने तल घर जड़े भड़ा रोचे बांधि दीदी से भाई बन तो घर को जाइलु बांधिक राखी आसलु।
सो ये राखी सब बंधाबंधी सरलापर यठिकिना आम घर लंच सब प्रिपेरेसन मुझे काटाकाटी करुच्ची तो यठिकिना भेडी आलू भजा सैड्रे पकईदी कड़े घोड़ेदेली सैड्रे तरकारी बसी जाइए तो से सबू है आमर मानने घर पूजापी सब खेचड़ी आ पिठापणा सब कर तो यठिकिना सब जो लंच सरीगला आमर बना सरला तो गैस हेरिका सब धुआधुई करदेलुपर ये भलि दीदी खेचड़ी करदे भल जगार तो सी खेचड़ी करदे नड़िया कोरई कि मम्मी देदे पिठा मंडा पिठापाई तो ये सैड्रे नड़िया कोरोटा भाजी दूसरी टी पुरपाई तो ये भजा भजी करी थंडा हालापर आम शाशु बो मिसिक मंडा पिठा तैयारी कलु तो मंडा पिठा गढ़ी सारापर ये मम्मी नहीं कि सैड्रे मैंने ठाकुर रखीदी तो यठिकिना आणिकी जो पूजा हाँ बलभद्र पूजा तो यठिकिना सब मुरुज हेरिका पकईदे पीढ़ा हेरिका पकई सारे तो ये गाई गोबरा गच्छ रखाई पूजा हाँ तो ये फूल आउ जो क्षीर चाउल हेरिका आ चंदन सिंदूर सब लगाईगला आठिकिना दीदी आमर भाई को मानने पूजा करखी बांधिया तो अनलाइन राखी उठे सी खाली बंदापना करदे अपा बांधि राखी तो ये एंजेल आमर तार भाई को राखी बांधुची सी भी बंदापना करुच्ची देखो के क्यूट लगुच पूरा दीटा चुट्टी पकईकि बहुत सुंदर देखा जाऊँगी तो तार टिके देह खराब हो जाता टिके ज्वर हो जाता तथा बहुत सुंदर लगुच सी तो यठिकिना मीठा को आउची बढ़िया बहुत क्यूट देखा जाऊँगी पूरा पूरा मजा करुच्ची तो ये आमर पूजापाई पूरा रेडीगला खिचड़ी आगे सुजी मंडा पिठा तो ठाकुर पूजा धूप दीप सब लगाईगला तो हस्बैंड ये गाधे पलि आसिले से पूजा करदे बलभद्र पूजा तो पूजा सरलापर आम ठाकुर सब आशीर्वाद नेलु सो सब पूजा पूजी सरला यठिकिना दीदी आसिले सान भाई की राखी बांधिया तो सब बंधापना कर सब राखी बंधा हो गाइज एबे टाइम होगला आसिक आमर साढ़े दीटा तो आमर रोसेवास सरीगला आउ एबे खाई नुआ माने पूजा पूजी भी सब सरला तो केमती लागिला तुमको राखी बढ़िया हापी रक्षाबंधन कौन समस्त हापी रक्षाबंधन तो ये तीन टा राखी गोटे पल्लवी बांधती गोटे यहाँ कुकर यहाँ हूँ पुतलू तो तीन टा भाई को तीन टा राखी बंधाई चमकुची राखी नहीं हाँ। बढ़िया लगुच पूरा फुल हो गला हाँ तुम नहीं तुम कौन दे गिफ्ट दीदी को पल्लव दीदी को पैसा दे दिला पैसा दे दिला एंजेल कौन गोटे चॉकलेट चॉकलेट भल देख लो मुझे जान दे तम जा कही पार न कि लाज लगुच देख एम कहते लाज झील पे मैंने लाज ना लाजौं कैमेरा तो एम अते टाइम पड़ेलानी आज बहुत लेट हो गला खाइनु भी एबे जाए कि मान खाई पूरी मटर तरकारी खाई मान बरा हे मंडा पिठा मम्मी करते खेचड़ी हाँ सब हेची पूजा सब है तो ये खाइबू जाऊ तो टाइम तो होगलानी अलरेडी लेट हो गला साढ़े दीटा हम सो चलतु ए लंच खा कथबार्ता हूँ कि कौन कर देखा आ हे गाइस तो ए टाइम हो गला साढ़े तीन टा दिन तो आम मान लंच सरीगला तो सरिकी एबे मुझे रेडी तो थी आगुरु तो टी आए मेकअप टचअप कर देजी खाली आ मुंड फुंड कुंडे देजी तो एबे आम मैंने बाहर की जाऊ
गोपालपुर तो समस्ते मिसिकी जाऊ न्यू कार रे तो चलंतु गोपालपुर बुलिबा आ राखी बलिया दिन रे भाई भौनी एन्जॉय करिवे त कोन माने ताडू बड़ खुशी अछि तो बड़ दीदी भी आसुचंदी से भी हम संगे जिबे तो एबे जाय बड़ दीदी आसी नांदी तो सेति पे मु भाबिली आपन मन संगे के कथा बात है कि टाइम पास करिया नहले खाई साले मते जो बलिया निद लागे मु तो जाय खट रे सोई पड़िबे आ बुला बुली कथा छाड़ मारगोली तो सेति पे टिके बाबूजी टाइम पास करिया बोली तो से आसुचंदी मु एक्चुअली फोन करथली पहुंचलिया पाखापाखी तो आसला राखी बांधिकी जीव तो आज क्लैमेट जदि कहना एत मेघुआ कर रखी सकाल बर्षा भी होता है एवं जस्ट छाड़ी तो से आम पूरा बाहर पड़ू जावाई तो प्लानिंग करूँ एक्चुअली जीवाक तो सडन प्लानिंग है सडन आम जीव बाहर तो एवं जहा हूँ जोग भी बर्षा छाड़गला टी तो जीव गाड़ी आम तो बहुत मानते मजा लगुच तो समस्त मिसिकु आखा जाऊ गोपालपुर मैंने कौन हो क्लैमेट कारण यही भाया जी क्लैमेट गोपालपुर सी बीच बुलिया ना बहुत ही मजा लगे कारण मेघुआ पागर बीच रजा मानते कि अलग ही था मत तो बहुत मजा लगे मेघुआ पागर बीच रे गाधेवा बुलवा को सुलसुलिया पवन होंडा पवन तो भल लगे तो ये क्लैमेट अनुसार ना मोर चुट्टी एत मानते झड़ू एत हेयरफल हो भी पारे मो मुंड बिंधा होगा मत लगे दिनों दिन मुझे गंजा पूरा होगी कारण देखो आग आड़ पूरा चांदी हो गई आ कुंडे बोले ना एत सारा एम मानते पानी बाहर कुंडे भी चुट्टी तो कहतुन एवं टिके धीरे धीरे मोर कमुच सो एबे तो माने हेयर फॉल हबार बहुत माने प्रकार रीजन था जे कि माने बेसिक के टेंशन नउथिबो कि कारो विटामिन अभाव होथिबो कि कारो माने निद ठीक से होउ नथिबो किंतु मोर हेयर फॉल होउची जे मु जदी अलगा अलगा शैम्पू यूज करबी त मोर टिके हेयर फॉल हुए तो मते टिके एक्सपेरिमेंट करिया को बहुत ही भल लागे किछि अलगा अलगा किछि नुवा जिंस आसिला त ता उपर टिके लगेबा देखिया तार केमथि कोन फरक जाना पडुची त मते एटा टिके खुशी लागे तो सेटा मु टिके करे तो सेठी पे मोर टिके हेयर फॉल होउची एबे तो एबे टिके धीरे धीरे करकि कमी बारे लागुची तो एबे तो प्राय लोकंकर कथा सुनिए बोली गोटे प्रॉब्लम खाली होउची जोडा कि हेयर फॉल का केते जण कमेंट रे भी मते व्यूअर्स माने लेखी छाथिले जे दीदी हमर बेसी हेयर फॉल होउची तारे किछि सॉल्यूशन हमकु कुहंतु जल्दी जल्दी किछि उपाय हमकु बतांतु कोन करिवु कोन नाय बोली सो मोर भी जेतु बहुत हेयर फॉल होउची तो मु बहुत माने 1 मंथ पूर्वरु बेसी रिसर्च कली ऑनलाइन रे यूट्यूब वीडियो देखली कोटा मोर हेयर पई को ऑयलटा भलो थाए कोटा भलो न थाए तो सबु जिंस मु देखली ता पर मते फाइनली मिलि गला गोटे बहुत ही बढ़िया ऑयलटा जोटा है कि न्यूट्र कैरेट सीड हेयर ऑयल जोटा कि आम हेयर फॉल को रोकवाक बहुत ही हेल्प करता है सो कारण एथिरे जो सब इनग्रीडियंट मिसा अच्छी एथिरे अच्छी विटामिन ए अल्फा बीटा गामा कैरोटीन्स एंड कैरोटेनेस तो ए सब जिंस नेचुरल जिंस जोटा कि आम हेयर पे बहुत ही यूजफुल जोटा कि आम बाळ को बहुत मजबूत करिवारे हेल्प करूची आ ता सहित आम हेयर फॉल रोकिवारे मध्ये बहुत ही हेल्प करूची ए ऑयलटा तो मते तो जेमिते हेले मोर हेयर फॉल को रोकिबा को थिला तो सेति पई मु ऑर्डर कली न्यूट्र कैरेट सीड हेयर ऑयलटा जोटा कि यूज कला परे आमर 30 डेज भितर 70% आम हेयर फॉल रोकिबारे एटा हेल्प करूची तो मते एटा बहुत ही बढ़िया लागिला सो गाइस ए ऑयलटा केमिति यूज करा होची मु आपन मानु कहि दउची तो ए हेयर ऑयलटा मु नाइट रे यूज करूची तापर मॉर्निंग रे वॉश कर दउची तो ता जेतिक ऑयल दरकार मु हाथ रे ताको काढी नउची तापर टिप सहाय्य रे ताको स्काल्फ रे भल रे मसाज करूची जहा फल रे कि हमकु आराम लागे आ ता सहित ब्लड सर्कुलेशन हमर हेथाय आ ए ऑयलटा मु प्राय 25 रु 30 दिन होला यूज करूची जहा फल रे कि तार फरकटा मते बहुत ही बढ़िया से जणा पडुची सो आगुरु मोर हेयर बहुत रफ थिला आउ फ्रिजी थिला एबे मु कम करी कि आपण माने देखु देखि पारुथिबे कि केते कम मोर हेयर फॉल होउची पूर्वरु बेसी माने हेयर झड़ू थिला एबे पूरा मोर 70% हेयर फॉल कम हो जाइछि फ्रेंड्स आमर हेयर को मजबूत रखिया पई हेल्दी रखिया पई आमको प्रॉपर स्लीप करबा दरकार ता संगे एक्सरसाइज मध्य करबा कारण सेटा मोस्ट इंपोर्टेंट कारण एक्सरसाइज करले आमर बहुत प्रकार बेनिफिट थाए तो सेई गुडा को सब करले आमर हेयर बहुत ही हेल्दी रहिबो सो एही जो न्यूट्र कैरेट सीड हेयर ऑयल टारु मु बेसी इंप्रेस हे गली जोडा कि मु यूज कला परे तार फरकटा मते बहुत ही बढ़िया से जणा पड़िला सो गाइस आपण माने भी निहाती यूज करंतु आ यूज कला परे मते कमेंट लेखि छाडीबे केमती लागला बोली जदी आपण मानकु एही ऑयल टा दरकार यार लिंक टा तळे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे समस्त
ଲାଗୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦିଦି? ତ ପିଲାମାନେ ତମେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛ? କେତେ ମଜା କରୁଛୁ ଆମମାନେ ସବୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ତ ଏବେ ସେଇଠି ପଛଆଡ଼େ ଆମେ କାର୍ ପାର୍କିଂ କରିକି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ତ ବିଚ୍ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି, ପୁରା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଗଲେ ନା ବହୁତ ହି ପୁରା କ୍ରାଉଡ଼ ଥାଉଛି। ଏତେ ଜୋରିଆ ଲହରି ଆସୁଛି ଯେ ମାନେ କୂଳ ପାଖକୁ ପୁରା ଏକାଥରେ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଯାଇକି ଦିଦି ପୁତୁଲୁ ରାଧିଆ ସବୁ ପାଣିରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜଏନ୍ କଲି। ସବୁ ଆମେ ମିଶିକିରି ଟିକେ ମଜା କଲୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ, ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସୋ ଏଇଠିକିନା ପାଣିରେ ଖେଳିକିରି ଆସିଲା ପରେ ରାଧିଆ ତ ପୁରା ଉଦୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଇଠିକିନା ସବୁ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବେ, ତ ଏଇଠି ଆମେ ବସିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ବାବା ଟିକେ ଚାଏ ବିସ୍କେଟ୍ ଏମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ପାଗ ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ତ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ପବନ ହେଉଥିଲା। ତ ସବୁ ସାରିକିରି ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିଗଲୁ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟାର 7:30। ତ ଏବେ ଆମମାନେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ବି ହେଇନି, ଚେଞ୍ଜ ବି କରିନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଉଛି। ତ ପବନରେ ପୁରା ଉଡ଼ିକି ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ପୁରା ହେପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଜି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲୁଣି, ଆଜି ପୁରା ଦିନଟା ଯାକ ବିଲକୁଲ 5 ମିନିଟ୍ ବସିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଲୁ, ଲଞ୍ଚ କଲାବେଳକୁ 2:30 ପରେ ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ରୋଷେଇ ହେଲା, ତାପରେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଅଲଗା ରନ୍ଧା ହେଲା, ଖେଚିଡ଼ି ହେରିକା ସବୁ ବନା ହେଲା, ସୁଜି କ୍ଷୀରି ହେଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନଡ଼ିଆ ପୁର, ତ ସବୁ ଏମିତି ମିଶିକିରି କରିଦେଲୁ। ତ ସବୁ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇଟା ସବୁ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଲା। ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ ହେଲା, ଡାଲି ପୁଣି ବନା ହେଲା, ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଥିଲା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ପୁରା ଦିନଟା ଯାକ ପଳେଇଲା, 2:30 କେଡ଼େ ବି ହେଇଗଲା ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିଲାନି। ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଲେଟ୍ରେ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଗ ଯେ ବିଲକୁଲ ବି 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲାନି ଯେ ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧିବାକୁ। ତ ମିଟିଂ ଉପରେ ମିଟିଂ, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏମିତି ଏକା ପୁରା ଦିନଟା ଯାକ ପଳେଇଲା। ତ ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଖାଇସାରିକି 5 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧିଛି ସେଇଟା ହିଁ ପିନ୍ଧିକିରି, ଖାଲି ଟିକେ ମେକଅପ୍ ଟଚ୍ଅପ୍ କରିକିରି ଖାଲି ପଳେଇଛୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ। ତ ମମି ଥିଲେ ଘରେ, ବଡ଼ ଦିଦି କହୁଥିଲେ ଯିବେ ବୋଲି, ସେ ଗଲେନି, ତାଙ୍କର ଘରେ କିଏ ନଥିଲେ, ତ କହିଲେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି ହେରି। ତ ସେ ପଳେଇଲେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଇକି, ତ ଆମେ ଯାଇକିରି ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସୋ ଏବେ ବେଶୀ କଥା ହେଇଗଲିଣି, ଆଉ କଥା ହେବ ବିଲକୁଲ ବି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବି ମୁଁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲିଣି, ଆଉ ବିଲକୁଲ କଥା ହେବା ମନ ହେଉନି। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ରାକ୍ଷୀର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ, ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।